हेलो डियर स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स एज वेल एज जनरल साइंस और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेजरमेंट ऑन वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम ये जो टॉपिक है ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है ये। और इसके क्या क्या यूजेस हैं इसका यूज कैसे किया जाता है कहाँ किया जाता है सो so, इसके बारे में हमने स्टडी किया था आज हम देखेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है वर्नियर कैलिपर में जो है मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके लिए हमने ड्रा किया है वर्नियर कैलिपर जिसमें वो हमारा मेन स्केल है ठीक है और ये हमारा है वर्नियर स्केल दो स्केल्स होते हैं एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल ठीक है यह है इसे हम लोग जाव बोलते ए एंड बी हमारे जाव्स हैं ठीक है जाव्स का काम है कि वह लेंथ को मेजर करता है जाव्स का काम है लेंथ मेजर करना डायमीटर ऑफ सिलेंडर को मेजर करता है और वह डायमीटर ऑफ स्पेयर यानी कि सिलेंडर के डायमीटर को और स्फेर के डायमीटर को मेजर करता है ये भी हमारे जाउज ये भी हमारे सी और डी है ये भी हमारे ऊपर की ओर जो है वो भी हमारे एक जावज है लेकिन इसका मेजरमेंट किया जाता है इंटरनल डायमीटर के लिए टू मेजरमेंट इंटरनल डायमीटर ठीक है और एक पीछे की ओर जो हमारा ई निकला हुआ है ठीक है इसे हम लोग कहते हैं डेप्थ गेज डेप्थ गेज यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डेप्थ का मेजरमेंट किया जाता है टू मेजरमेंट द डेफ ऑफ बीकर ग्लास इटीसी इन सब का जो है डेप्थ मेजरमेंट किया जाता है डेप्थ गेज से अब वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट इसका कैसे करते हैं तो वर्नियर केलिपर में हमारे जो दो स्केल्स होते हैं उसको हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं दो स्केल्स का ये मेनली जो है वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स का ही काम होता है ठीक है सो और इंस्ट्रूमेंट का काम होता है लेकिन मेनली जो काम होता है वो स्केल्स का होता है सो so, ये हमारा मेन स्केल है ठीक है और इस पर जो हमारा यूनिट है रीडिंग है वह है सीएम में जनरली जो सीएम में ही जो रीडिंग होता है मेन स्केल का वह सीएम में ही होता है जनरली ठीक है सो ये मेन स्केल है और इसके सीएम में रीडिंग है वन टू थ्री और वर्नियर के में देखिए इसके नीचे एक वर्नियर स्केल है ठीक है सो इस वर्नियर स्केल को भी यहां हम बना लेते हैं ये हमारा वर्नियर स्केल है तो जो स्केल है नॉर्मल स्केल है उसका जो है मार्किंग हमारा मार्किंग जो है वन टू थ्री करके सीएम में ये दिया रहता है सीएम में लेकिन वर्नियर स्केल का मार्किंग नहीं दिया होता है और ये मार्किंग जनरली जो होता है जनरली नाइन फाइव परसेंट केसेस में जो वर्नियर स्केल का मार्किंग होता है वह नॉर्मल स्केल से छोटा होता है ठीक है वर्नियर स्केल का मार्किंग नॉर्मल स्केल से छोटा होता है और ये इक्वल्स होता है जो नाइन यूनिट ऑफ मेन स्केल होता है वह इक्वल्स होता है टेन यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल जनरली नाइनटी फाइव परसेंट केसेस में फाइव परसेंट जो हमारा रेयर केस है उसमें कभी कभी कुछ अलग होता है तो उसके लिए लिस्ट काउंट भी हमारा अलग होगा सो so, इसके लिए इन मेन स्केल नाइन यूनिट ऑफ एम एस डी मेन स्केल डिविजन एम एस डी है मेन स्केल डिविजन सो जो नाइन यूनिट ऑफ एम एस डी है वह इक्वल्स होता है टेन यूनिट ऑफ वी एस डी वर्नियर स्केल डिविजन इन मेन स्केल वन सी एम इक्वल्स टू टेन एम एम यानी कि टेन डिविजनल है ना टेन डिविजन वन सी एम इक्वल टू टेन डिविजन तो इसके इसको, इसको अगर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा वन बाई टेन इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सी एम और इसे कह सकते हैं वन एम एम ठीक है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया सो so, इसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है लिस्ट काउंट का जो है नॉर्मली नॉर्मल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो जीरो पॉइंट वन सी एम होता है अब देखिए यहाँ पे जो टेन डिवीजन है वर्नियर स्केल का वह इक्वल से नाइन डिवीजन वर्नियर स्केल्स का ठीक है ये नाइन डिवीजन है और ये टेन डिवीजन ठीक है जहां तक हमने मार्किंग किया हुआ है नाइन डिवीजन इक्वल्स टू टेन डिवीजन सो अगर आप काउंट भी करेंगे तो काउंट में आप देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहां हमने इस प्रकार ही कुछ बनाया है ठीक है और जनरली जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल्स का जो रिलेशंस होता है इन वर्नियर कैलपर में कुछ इस प्रकार से ही होता है सो नाइन यूनिट्स ऑफ एम एस डी इक्वल्स टू टेन यूनिट ऑफ वी एस डी टेन यूनिट ऑफ वी एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन अब अब हम क्या करते हैं ये क्यों होता है क्योंकि जो हमारा वर्नियर स्केल का जो मार्किंग होता है वो स्मॉल होता है ठीक है Compared to main scale, so generally, each division on vernier scale is smaller than each division on main scale. Each division on vernier scale is smaller than each division on main scale. ये होता है सो so, अगर इस डिवीजन को हम देखिए अलग करके अब, अब इसको हम देखेंगे ये होता है नाइन्टी फाइव परसेंट केसेस में ऐसा होता है सो so, इसके डिवीजन को जो हमारा वर्नियर स्केल का जो है डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन इसको हम अलग अगर ड्रॉ करके देखते हैं एक एक डिवीजन को हम अलग ड्रॉ करेंगे so, सो इस, इससे हमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का इससे पता चलेगा इसका एक डिवीजन हम अगर ड्राव करते हैं सो यहाँ हम ड्रा करते हैं इसका ये हमारा मेन स्केल का डिवीजन, और इसको हम मान लेते हैं इसका लेंथ है ए कुछ भी मान लीजिए आप तो हमने ये मान लिया इसका ये मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का किस प्रकार है इससे कुछ छोटा है इसका डिवीजन, सो इसको हम मान लिए बी ठीक है इसको हमने बी मान लिया और यो ये जो लेंथ है इसको हमने सी मान लिया सो so, इसमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होगा इसमें जो है इन तीनों केसेस में स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हमारा क्या होगा ए या बी या फिर सी इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वह होगा ए माइनस बी का डिफरेंस जो कि है सी इसमें जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जिसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं ठीक है सो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा ये होगा ए माइनस बी का डिफरेंस होगा डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी तो ये होगा सी इट इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी ए जो है वर्नियर स्केल डिवीजन है और बी है ए हमारा मेन स्केल डिवीजन है वी है वर्नियर स्केल डिवीजन तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन ठीक है इसे हमने डायरेक्टली लिखा कि ये इक्वल्स है न मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन अगर इसका डिफरेंस ए माइनस बी है तो इसका जो डिफरेंस है वह होगा सी जो कि हमारा है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट सो स्मॉलेस्ट मेजर एल सी क्या हो जाएगा वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी लिस्ट काउंट ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल अभी यहां तक आया है हमारा कि एलसी जो है वह इक्वल से वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी अब एमएसडी का तो लिस्ट काउंट हमें पता है ठीक है एमएसडी का क्या है लिस्ट काउंट हमें पता है ठीक है लेकिन एमएसडी का लिस्ट काउंट कितना है इसे आप लोग नोट करते जाएं ताकि समझने में आपको आसानी हो एमएसडी का लिस्ट काउंट कितना है एमएसडी का लिस्ट काउंट है जीरो पॉइंट वन सीएम और ये जीरो पॉइंट वन सीएम इसलिए क्योंकि इसी में इसका मार्किंग किया होता होता है एम मेन स्केल में ठीक है जबकि वर्नियर स्केल में मार्किंग नहीं होता है सो जनरली मार्किंग ऑन मेन स्केल आर इन सीएम ठीक है और ये सीएम किसमें होता है जीरो पॉइंट वन सी एम इक्वल्स होता है बट इन केस ऑफ वर्नियर स्केल इट्स मार्किंग नॉट गिवन ठीक है बट इन केस ऑफ वर्नियर स्केल जो इसका मार्किंग है वह नहीं दिया रहता है तो वर्नियर स्केल का मार्किंग तो हमें फाइंड करना होगा ना सो बट इन केस ऑफ केस ऑफ वर्नियर स्केल इट्स मार्किंग नॉट गिवेन नॉट गिवेन क्या तो इसका हम इसका मार्किंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन को एन मानकर और डिवीजन को एम मानते हैं और इसको हम इक्वल कर देते हैं क्योंकि हम इसे इक्वल्स करेंगे तो इस प्रकार हमें लिस्ट काउंट फाइंड करने में हेल्प होगी सो लेट एन वी एस डी आर इक्वल्स टू एम एम एस डी ठीक है लेट एन वी एस डी आर इक्वल्स टू एम एम एस डी जो एन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है वह इक्वल्स है एम नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन एन वी एस डी टू एम एम एस डी तो यहां पर एनवीएसडी टू एम एम एस डी इसलिए वन वी एस डी क्या हो जाएगा एम बाय एन एम एस डी वन वी एस डीवल्स टू एम बाय एन एम एस डी अब अब हमारा यहाँ पे लिस्ट क्या है वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी सो हम इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो एलसी वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी सो हम यहां पे वन वन वी एस डी जो हमारा है वह पुट कर देंगे एम बाय एन एम एस डी सो एल सी टू होगा एम वन एम एस डी माइनस एम बाय एन एम एस डी इक्वल्स टू एम एस डी हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे सो एल सी टू एम एस डी इंटू वन माइनस एम बाय एन ठीक है ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट को फॉर वर्नियर स्केल ये लिस्ट काउंट तभी पॉसिबल है जहां पे एम जो है ग्रेटर देन एन हो ठीक है तो एम यहाँ पे क्या है एम है हमारा मेन स्केल डिवीजन नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन ठीक है और एन क्या है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन एम इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन ठीक है और एन क्या है एन क्या है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जहां पे ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा एम ग्रेटर देन एन हो यानी कि एन क्या हो एम से छोटा हो और एम एन से बड़ा हो ठीक है मिन स्केल जो है वर्नियर स्केल से वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा हो तो ये हमारा निकल गया वर्नियर स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट अब ऑर्डेनरी वर्नियर स्केल में जनरली हम इसका लिस्ट काउंट देखते हैं कि लिस्ट काउंट इसका कितना होता है सो इनकेस ऑफ ऑर्डेनरी वर्नियर स्केल में अगर मार्किंग कुछ इसी प्रकार से हो कि हमारा अगर नाइन यूनिट ऑफ एमएसडी टू हो टेन यूनिट ऑफ वी एस डी तो हमारा लिस्ट काउंट इसका कितना होगा ठीक okay. so है सो वही स्केल हमारा है एक मेन स्केल जो हमने ड्रा किया और वर्नियर स्केल ठीक है उसका नाइन डिवीजन जो है मेन स्केल का वह इक्वल्स है टेन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का इसलिए हम इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो ये हमने लास्ट में निकाला था वन एम एस इक्वल्स टू वन बाय टेन इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन सी एम ये लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इसलिए हम क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट अगर हम निकालते हैं तो यहां पे जो हमारा टेन वी एच डी इक्वल्स टू नाइन एमएसडी है ये है सो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा एल सी इक्वल्स टू हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे एमएसडी एंड वी एस डी का तो एमएसडी एमएसडी इन एम बाई एन तो एम बाई एन कितना है वन माइनस एम बाई एन कितना है एम है नाइन एन एन है टेन नाइन है मेन स्केल डिवीजन और टेन है वन ईयर स्केल डिवीजन सो एल सी टू जीरो पॉइंट वन सी एम इंटू नाइन बाई टेन इंटू वन माइनस नाइन बाई टेन इक्वल्स टू होगा जीरो पॉइंट वन इंटू वन बाई टेन जीरो पॉइंट वन इंटू वन बाय टेन इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो वन ये हमारा वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया ये जनरली होता है कि नाइन्टी फाइव परसेंट केस में जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो वन सी एम होता है और जीरो पॉइंट वन एम एम भी कह सकते हैं इसको सो so, ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल एंड इसके सहायता से हम जो है मेजरमेंट किसी भी जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं ठीक है सो so ये था हमारा आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑन वर्नियर स्केल फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज थैंक फॉर वॉचिंग